का शुक्र है कि 325,000 लोगों के लिए 80 बसें चली और ये जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के धोखे के बाद तो वज़ीर आला की है तमाम सूबों में। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और पिशावर मुतल्लिका सूबों की वज़ीर आला ने बनाया है, मेयर्स ने नहीं बनाया है। तो आगाज़ किया है, अब इस लिहाज से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद उनकी जिम्मेदारी और इख्तियार में आता नहीं था, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो उनसे मुआहदा किया था उसमें एक शिफ्ट ये भी थी। तो हम दुआ करते हैं कि 25 दिसंबर को कराची के शहरी इसका से इस्तेफादा हासिल कर सकें। हाँ, हमें इनमें कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करना है। तमाम सूबों में इसके लिए सूबाई हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। यहाँ पर वो खून आशाम सूबाई हुकूमत है जो इस शहर का सिर्फ लहू पीती है, तो हमें उससे उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है कि वो इस मंसूबे के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। इखलाकी जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर रही, बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी नाम की चीज़ उनके इखलाक में मौजूद ही नहीं है। ये हुआ है। दूसरा, हम जल्दी ही K4 के हवाले से भी, जिसको कि पिछली हुकूमतों ने और ख़ास तौर पर जो 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है, उसने पीने के पानी के मंसूबे को कराची में जिस तरह तबाह किया, नाकाम करने की कोशिश की, MQM का बड़ा मुतालबा था इस हुकूमत से कि K4 का मंसूबा उसको मुकम्मल किया जाए, उसका आगाज़ किया जा रहा है, मुकम्मल नहीं। तो हमने जिन शराइत पर मौजूदा हुकूमत से मुआहदा किया था उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। मर्दमशुमारी पहला नुक्ता था, ये बड़ी कामयाबी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने और सिंध के शहरी इलाकों ने बिलखसूस कराची ने हासिल की है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक जाली मर्दमशुमारी के नतीजे में वक्त से पहले एक नई मर्दमशुमारी की जा रही है। जो सैंपल सेंसेस होना था वो इसलिए नहीं हो सका कि पिछली हुकूमतों ने इतना वक्त ज़ाया कर दिया था कि उसका टाइम निकल गया था। ये बड़ी कामयाबी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस हुकूमत में जाकर जो हासिल की है वो सेंसेस की है। K4 पे इंशाल्लाह काम शुरू होने वाला है। आपने ग्रीन लाइन बस देख ली है, अगले जनवरी में इंशाल्लाह ताला ऑरेंज लाइन बस पे भी काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा जो फ्रेट कॉरिडोर है वो भी जनवरी में हो जाएगा। तो कराची की सर्कुलर रेलवे है उसका भी फरवरी में, वादों पे तो है लेकिन अब इरादों में भी नज़र आना शुरू हो जनाब। कल अपोजिशन जमा हो रही है, एक छत तले जमा हो रही है और फैसला करेगी। इस हुकूमत की नीयत पर, सूबाई हुकूमत की नीयत पर जो भी एतबार करता है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देता है, और जो धोखा जो खुद को दिया जाए वो झूठ जो खुद से बोला जाए वो सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक और नुकसानदेह होता है। तो वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, इस शहर को ओन नहीं करते हैं। अपने दारुल खिलाफा पक्के, ये मैंने आज कहा है यहाँ पर कि तमाम उज़रा आला अपने सूबे के दारुल खिलाफा और सबसे बड़े शहर से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कि आके नई रिवायत डाली है जो मखासमत रखती है अपने ही उस शहर से जो 95% जो उनको पाल रहा है। इस शहर की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर दो तरह के तबके हैं, एक वो जो 95% रेवेन्यू देते हैं और दूसरे वो जो 95% रेवेन्यू खर्च करते हैं। कराची के लिए कहना कि कराची का मुतालबा किया है, कराची को रियायत दी है, कराची का वादा पूरा,
कराची को किसी के इमदाद की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान कराची की इमदाद से पल रहा है। कराची को उसका सिर्फ हक दिया जाए, कराची को किसी की जरूरत नहीं है। कराची में जिसके पास जितना मैंडेट है उतना अख्तियार दिया जाए, यही जमहूरियत है। आज मैंने वज़ीर आज़म से सवाल किया है कि इसका जवाब तलाश कीजिए। KMQM के पहले मेयर ने 1988 में वर्ल्ड बैंक से पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया था, आज कराची में नजर क्यों नहीं आता? MQM के दूसरे दौर में MQM के नाजिम ने कराची के 6 रूट्स पर मेट्रो बस का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो वर्ल्ड बैंक के साथ था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पूरा कंसीव किया था, जिसके ऊपर ये बस जिस कंसीप्ट पर ये बनी है पूरा ग्रीन लेन, वो क्यों नहीं बना? 2021 में क्यों बन पाया है? इन सवालात, ये बदनसीब शहर है जहां पर जो वफाक और सूबा इस शहर के चलने से पलते हैं वो उसको सॉवरेन गारंटी नहीं दे सके। हमारी बदनसीबी थी कि 88 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में आई, हमारी बदनसीबी थी कि 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में आई, जिसने कराची के तमाम मनसूबों हमेशा सबूताश किया है। जितना भी कर रहे हैं इससे ज़्यादा कराची में होना चाहिए था, वफाक की भी इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी है, लेकिन जितना भी कर रहे हैं, जैसा भी आगाज़ हुआ है, हम उनका शुक्रिया अदा करें।